मॉर्निंग सेवेंथ क्लास, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना अपने घर पे? ओके बेटा, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 14। ओके बेटा, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट और उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, हम ये वाला चैप्टर कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने कल पढ़ा था, किस तरीके से हीटिंग इफेक्ट्स होता है, किस तरीके से कोई तार, जो भी वायर होता है, तार होता है, वो कितनी जल्दी मेल्ट होता है, कितनी देर से मेल्ट होता है, कौन सी वायर में हीट प्रोड्यूस होती है तो किस में नहीं होती है, तो हमने कल ये पढ़ा था। सो बेटा, आज एक बात अच्छे से ध्यान रखें, जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो पतली सी वायर होती है वो क्या कहलाती है? फिलामेंट कहलाती है। वो क्या कहलाती है बेटा? फिलामेंट। और वो वायर बीच में से टूट जाती है तो बल्ब ग्लो होना बंद कर देता है। ओके बेटा, बल्ब ग्लो होना बंद क्यों करता है? क्योंकि उसमें तार बीच में जो होती है फिलामेंट वाली, वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने से क्या है, वायर के ब्रेक डाउन होने से बल्ब ग्लो नहीं करता। मेक एक्टिविटी नाउ, एक्टिविटी 14.4, लेट्स सी पेज नंबर 165। ओके बेटा, पेज 165 पे देखिए एक्टिविटी 14.4। मेक द करंट यू यूज फॉर एक्टिविटी 14.3 अगेंस्ट, हाउएवर रिप्लेस द सेल्स विद द बैटरी ऑफ 4 सेल्स। आप एक सेल, इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने के लिए मैंने बोला है, उसको रिप्लेस करके, सिंगल सेल को रिप्लेस करके आप उसकी जगह कौन, कितने सेल यूज़ करें? 4 सेल्स को यूज़ करें। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द निक्रोम वायर टाई अ थिन स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टील वुल, और स्टील वुल को आप उस निक्रोम वायर की जगह, एक निक्रोम वायर जो है लगाने के लिए बोला था आपको, निक्रोम वायर की जगह आप सिंपल स्टील की वुल लगा सकते हैं, वुल ऑफ अ कॉमन। द स्टील वुल इज कॉमनली यूज फॉर क्लीन यूटेंसिल्स एंड इज अवेलेबल इन ग्रोसरी शॉप। तो स्टील वुल लगाने के लिए बोल रहा है। स्टील वुल क्या होता है, जब घरों में मम्मी बर्तन वगैरह साफ करती है तो स्टील का वो बर्तन साफ करने का जो होता है उसको लेकर आप क्लीनर, यूटेंसिल क्लीनर होता है स्टील का, उसकी पतली सी तार निकाल दीजिए। अब निक्रोम वायर की जगह उस स्टील की वायर को यूज़ करना है आपने, ठीक है। इफ़ देयर आर एनी फैंस इन द रूम, अगर घर में कोई फैन है, ओके, फैन इन द रूम, स्विच देम ऑफ, और स्विच को आपने क्या करना है, फैन नहीं चलाना, ओके, फैन को आपने क्या करके रखना है, बंद करके रखना है। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम, अब सर्किट में करंट पास आउट करिए कुछ समय के लिए। ऑब्जर्व द स्टैंडर्ड स्टील वुल केयरफुली, अब स्टील को केयरफुली देखिए, इस स्टील को जो आपने इसमें यूज किया है। नोट व्हाट हैपेंड, डज द स्टैंडर्ड ऑफ स्टील वुल मेल्ट एंड ब्रेक डाउन, क्या ये जो स्टील की वुल है ये ब्रेक डाउन हो जाती है या गर्म हो जाती है, क्या होगा इसके साथ, मेल्ट हो जाएगी या नहीं होगी या गर्म होगी, क्या होगा इसको आप जब ऑब्जर्व करेंगे देखें। वायर्स मेक फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर रिप्लेस थ्रू देम, तो इस केस में क्या होगा, वायर मेल्ट हो जाएगी और ये सर्किट जो आप बनता है अब नया वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपने अब क्या यूज़ करें, 4 सेल्स यूज़ करे हैं और बहुत ही पतली तार यूज़ करी है स्टील की, तो अब ये क्या होगी, जल्दी क्विकली मेल्ट होकर ब्रेक डाउन हो जाएगी। लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आज पास थ्रू देम, क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा पास आउट हो गया है। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। सो बेटा, यहाँ पर क्या है, देयर आर वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली, जो स्पेशल मटेरियल से बनाई हुई हैं वायर वो
क्या होंगे, जल्दी ही क्विकली ब्रेक डाउन हो जाती हैं, क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम। और ब्रेक डाउन क्यों होंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास कर जाएगा। जब फोर सेल्स हम इसमें यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें ज़्यादा पास आउट होएगा, और इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास आउट होने से वायर जल्द ही मेल्ट हो जाएगी और ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। देन दीस वायर आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। और फिर इस वायर के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का फ्यूज़ जहाँ बनाए जाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। फिगर 14.14 में देखे, यहाँ पे ये फ्यूज़ है, इसमें जो एक पतली सी वायर यूज़ की है, ये पतली वायर क्या है, फ्यूज़ वायर होती है। बिल्डिंग फ्यूज इन इंटरेस्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, सभी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू देयर सर्किट। और इससे ये होता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर वो सेफली जा रहा है, सेफली जा रहा है तो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हमारे सेफ हैं। अगर कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होने से मेल्ट हो जाएगी फ्यूज़ वायर, और फ्यूज़ वायर फ्यूज़ होने से लाइट नहीं आएगी, इसलिए हम फ्यूज़ वायर को यूज़ करती हैं। There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. If by accident the current exceeds them, this safe limit, the wire may become overhead and may cause fire. और अगर वायर बहुत ही सेफली हम यूज़ नहीं करेंगे, करंट पास हो जाए बहुत ज़्यादा होएगा तो ये जल जाएगी और इसमें फायर भी लग सकती है, आग भी लग सकती है, आग लगने से नुकसान काफ़ी हो जाता है। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर इन द सर्किट, अगर प्रॉपर फ्यूज़ यूज़ करेंगे हम सर्किट के अंदर, इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। तो फ्यूज़ यूज़ करने से क्या होगा, ज़्यादा करंट होने से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, सर्किट टूट जाएगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। अ फ्यूज़ इज दस अ सेफली डिवाइस विच प्रिवेंट द डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पॉसिबल फायर। इसलिए बचाने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट को, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को बचाने के लिए ही फ्यूज़ का बटन यूज़ किया जाता है। फ्यूज़ का बटन जब यूज़ करेंगे हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में, जब हमारे जितने भी घरों में बिजली की जितने भी अप्लाइंसेस हैं यूज़ कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें फ्यूज़ का सर्किट ज़रूर डाला जाता है। वो इसलिए डाला जाता है ताकि इलेक्ट्रिक करंट, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा पीछे से बहुत तेज़ी से फ्लो ऑफ का इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, तो उसको ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आने की वजह से वायर क्या है, मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने से वो सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है और वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी आनी बंद हो जाती है। और हमारे घरों में जितने भी अप्लाइंसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हम बिजली से यूज़ करते हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी है, और प्रेस है, फैंस हैं, तो उन सबको फ्यूज़ वायर के थ्रू हम बचा लेते हैं। तो फ्यूज़ वायर जो है, फ्यूज़ का प्लग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि घरों में हमारी जितनी भी अप्लाइंसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनको बचाया जा सके। ठीक है बेटा, घरों में जितनी भी चीज़ें हैं उनको बचाने के लिए फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। एमसीबी का घरों में इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से एमसीबी डाउन हो जाती है और इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकिंग या ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबीज का इस्तेमाल करा जाता है घरों में। ओके बेटा, एमसीबी। ओके, फ्यूज ऑफ
different kinds are used for different purpose. Different अलग अलग फ्यूज अलग अलग चीज़ों के लिए होता है. अब रूम का एक हर रूम में फ्यूज़ का सर्किट डाला जाने लग गया है. पहले क्या होता था, सारे सारे का डाला जाता था एक जगह, लेकिन अब क्या है, रूम वाइज भी सर्किट अलग से तैयार किए जाते हैं फ्यूज़ के. ओके, फ्यूज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पस. अलग अलग फ्यूज़ अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं. 14.14 शोज़ फ्यूज़ यूज इन अवर हाउसेस. फ्यूज़ शोज़ इन 14.15 में जो फ्यूज़ हैं वो घरों में जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस. इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में इस फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है जो फिगर 14.15 में दिखाई है. आपको देखिए बेटा ये, ओके. और जो घरों में यूज़ होती हैं पूरे सर्किट के लिए वो ये वाला फ्यूज़ यूज़ होता है. ओके, कोटेशन, नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कनेक्टेड टू मेन सर्किट ऑन योर ओन. You may, however, visit an electric repair shops and compare the burnt out fuse with the new one. अगर फ्यूज बर्न्ट हो जाता है, जल जाता है, तो इसको आप अभी खुद ना इस्तेमाल करें. घर में कोई या इलेक्ट्रिशियन की शॉप है उसमें से उसको आप डाल सकते हैं. ओके, वन रीजन फॉर इस कोटेशन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर. द रीजन फॉर एक्सेस करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर. और मोस्टली क्या है, ज़्यादा जो सर्किट होते हैं किसकी वजह से हो सकते हैं खराब, वायर की आपस में टचिंग होने से भी खराब हो जाते हैं. This may happen if the insulation of the wire has come off due to wear and tear. Wear or tear purpose के लिए हमें इनका use करना चाहिए. This is cause of a short circuit. Short circuit के लिए हमें use कर सकते हैं हम इसको, ठीक है. Another reason for excessive current can be connected of many device to a single socket. सिंगल शॉकेट से एक या एक से ज़्यादा अप्लाइंसेस को यूज़ में नहीं लेके आना चाहिए. दिस में कॉज ओवरलोड, और उससे क्या हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाती है. ओवरलोडिंग होने की वजह से आपकी जो वायर होती है वो मेल्ट होकर अप्लाइंसेस को ख़राब कर सकती है. ओके, दिस में कॉज ओवरलोडिंग इन द सर्किट. यू माइट हैव रीड रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फायर कॉजिंग ऑफ अ शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग. आपने कभी सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से या ओवरलोडिंग की वजह से घरों में आग लग गई. तो इससे बेटा ओवर ये ज़्यादा शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, ज़्यादा पावर होती है शॉर्ट सर्किटिंग होने से या ओवरलोडिंग होने से क्या है, घरों में आग लग जाती है. तो इन सब को बचाने के लिए ही घर में क्या है, फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है. वायर ऐसी होती है अगर मेल्ट हो जाएगी तो या ओवरलोडिंग हो जाएगी तो फ्यूज़ होने का डर होता है. फ्यूज़ होने से फ्यूज़ हो जाएगा तो पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी जानी बंद हो जाएगी. लेकिन लगाएंगे तो आपस में शॉर्ट सर्किटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और घर में इस केसेस से आग भी लग जाती है. ओके, वी ऑब्जर्व दैट द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज इट टू ऑब्जर्व अवर एडवांटेजेस. डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव द अदर इफेक्ट्स ऑल्सो. इलेक्ट्रिक करंट के इसके अलावा कुछ और भी इफेक्ट्स हो सकती हैं क्या? सो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज आप अच्छे से करिएगा. एमसीबी की फुल फॉर्म लिखिएगा. व्हाट इज एमसीबी? बुक में एमसीबी की फुल फॉर्म आप सभी ने फाइंड आउट कर लिया. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी? ओके बेटा, एमसीबी की फुल फॉर्म सभी बच्चों ने इसको फाइंड आउट करिए. व्हाट इज एमसीबी? ये आपका है क्वेश्चन. व्हाट इज
व्हाट इज फ्यूज, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपने करनी है बेटा। नेक्स्ट है व्हाट इज, पहला तो व्हाट इज एमसीबी, what is fuse, what is MCB, okay, write down these two questions in your notebook. Okay beta, take care, bye, and do your work neat and clean.